हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा ऑडियो वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपर, लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन को। सबसे पहले हम सीखते हैं अपर फंक्शन को। एक्सेल में अपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में बदल देता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं वह सारे स्मॉल लेटर में हैं। तो अगर हमें इन सारे लेटर को कैपिटल में बदलना है, तब हम यहाँ पर अपर केस का यूज करेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है, अपर टाइप करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको अपर दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कर लें। यहाँ पर हमसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो इस आर्ग्यूमेंट में आपको वो टेक्स्ट लिखना होता है या सेल एड्रेस देना होता है जिसे आप अपर केस में बदलना चाहते हैं। तो हमें इस वाले सेल को अपर केस में बदलना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी लेटर है वह सारे कैपिटल में आ गए हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई लेटर पहले से ही कैपिटल होगी तो वह अपर केस में चेंज नहीं होगा या वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अपर फंक्शन सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स पर अप्लाई होता है जो पहले से लोअर केस में हो। नेक्स्ट है लोअर फंक्शन। एक्सेल में लोअर फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है। इसके लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है, लोअर टाइप करेंगे। यहाँ पर लोअर आ गया है, इस पर हम डबल क्लिक कर ले। अब यहाँ पर हमसे टेक्स्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें वह आर्ग्यूमेंट देना है जिसे हम लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट देंगे एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो केस था वह हमारा कैपिटल से स्मॉल में हो गया है। इसे हम ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है वह है प्रॉपर फंक्शन। एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में बदल देता है। यानी यहाँ पर जैसे सुनीता है, तो सुनीता का जो पहला लेटर होगा उसे वह कैपिटल में बदलेगा यानी एस को। और यहाँ पर सिंह है, तो सिंह का जो पहला लेटर एस है उसे वह कैपिटल में बदलेगा। इसके लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है, प्रॉपर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करें। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना है। यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में आपको वो टेक्स्ट लिखना है या सेल एड्रेस देना है जिसकी आप प्रॉपर केस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेल को प्रॉपर करना चाहते हैं, तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। तो आप देखते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट थी हमारी वह प्रॉपर में आ गई है, यानी जो टेक्स्ट का पहला लेटर है वह कैपिटल में आ गया है। इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। सो गाइस, आई होप आपको अपर, लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।